हेलो फ्रेंड्स, और आज बात करते हैं एक बार फिर से एमएस धोनी की, क्योंकि रवि शास्त्री जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनका कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी से उनकी कोई बात नहीं हुई है और महेंद्र सिंह धोनी कब वापसी करेंगे ये इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट रवि शास्त्री ने यह भी कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जब चाहे वो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं और उनको अपने करियर के बारे में क्या फैसला लेना है ये भी महेंद्र सिंह धोनी ही डिसाइड करेंगे। अब रवि शास्त्री की बातों में कुछ भी वैसे तो देखा जाए तो नया नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे ही आ रहे हैं। बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने भी, इवन जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर रिटायरमेंट का भी कोई फैसला लेना है या क्रिकेट को कंटिन्यू करना है तो ये फैसला तो सिर्फ एमएस धोनी ले सकते हैं। तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है रवि शास्त्री ने। लेकिन जो रवि शास्त्री की बात में जो खास जो उनका इंटरव्यू छपा है उसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं कि जब से यानी कि मैनचेस्टर में मुकाबला हुआ था इंडिया न्यूजीलैंड का 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, उसके बाद से वो कह रहे हैं मैंने महेंद्र सिंह धोनी को देखा भी नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी से मेरी कोई बात भी नहीं हुई है। तो ये बात थोड़ा हैरत में डालती है कि चीफ सेलेक्टर भी कह रहे हैं कि वी हैव अवर प्लान्स, महेंद्र सिंह धोनी के अपने प्लान होंगे लेकिन हमारे प्लान भी, हमने अपने प्लान बनाए हुए हैं और वो प्लान 2020 वर्ल्ड कप जो होगा, 2021 में फिर होगा या 2023 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान बनाते जा रहे हैं। तो चीफ सेलेक्टर हो, टीम इंडिया के कैप्टन हो और टीम इंडिया के हेड कोच हो, तीनों का यही कहना है कि कोई बातचीत हुई नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के साथ और महेंद्र सिंह धोनी जो भी फैसला लेंगे अपने रिटायरमेंट को लेकर या वो कंटिन्यू करेंगे ये महेंद्र सिंह धोनी का फैसला रहेगा। देखिए महेंद्र सिंह धोनी से जैसा कि रवि शास्त्री भी कह रहे हैं कि कोई उनकी बातचीत नहीं हुई है, वो मिले भी नहीं है उनसे, बिल्कुल इस बात को माना जा सकता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जनरली फोन कैरी नहीं करते हैं अपने साथ और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनसे हमारी बात होती है वो यही कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब मिल जाते हैं, जब टीम में शामिल हो जाते हैं तो ही उनकी ज्यादातर बात होती है महेंद्र सिंह धोनी से, अदरवाइज ज्यादा बात उनकी नहीं हो पाती है। बहुत सारी पहले भी अगर हम पास की भी बात करें तो सेलेक्टर्स ने भी एक बार कहा था जब वो चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उस समय महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन हुआ करते थे और वो चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से कोई संपर्क नहीं हो पाया और फिर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। ऐसा ही वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन दिया था हालांकि इस मामले पर कि जब वो रिटायरमेंट ले रहे थे तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी से बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन शायद उनके पास महेंद्र सिंह धोनी का नया नंबर नहीं था या महेंद्र सिंह धोनी से वो बात नहीं कर पाए और फिर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या आपने धोनी से बात करी थी तो उन्होंने कहा नहीं, वो धोनी से मैं बातचीत नहीं कर पाया। तो धोनी से अगर फोन के बारे में बात की जाए तो थोड़ा कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है उनके साथ बात करने के लिए, फेस टू फेस अगर मिल जाए, टीम में आ जाए या वैसे दूसरे चैनल्स के थ्रू बात हो जाए तो वो ज्यादा जो कह सकते हैं फैमिलियर चैनल होता है उनसे बात करने का। एक चीज और भी अच्छी, माइकल वॉन की अगर मैं बात करूं जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके, उनका भी इंटरव्यू छपा है और उन्होंने कहा है कि शॉर्टर फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कप्तान उन्होंने नहीं देगा, छोटे फॉर्मेट की जब कप्तानी की बात आएगी तो वो महेंद्र सिंह धोनी को बहुत हाईली रेट करते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो और उसके बाद 2014 में अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो फाइनल में पहुंचाया था, 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप में भारत को जीत भी दिलाई थी। लॉन्गर फॉर्मेट में भी अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का इनिशियल करियर देखेंगे, जो स्टार्टिंग करियर उनका था एज ए कैप्टन, जब अनिल कुंबले से उन्होंने टेक ओवर की थी कैप्टनसी को, तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट 7 में से कुछ 4-5 टेस्ट मुकाबले वो जीते भी थे, कोई हारा नहीं था उन्होंने, जो स्टार्टिंग फेज था उनके करियर का। ये बाद में फॉरेन सॉइल में जो भारत का क्लीन स्वीप होने लगा, भारत जो हारने लगा, पूरी सीरीज ही हार गया इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 4-4 हो गई, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया उनके करियर में। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा फेज था, ये एक ऐसा दौर था जब भारत के पास वो पेसर्स नहीं थे जो 20 विकेट चटका सके। अगर ये बॉलिंग अटैक महेंद्र सिंह धोनी के पास भी होता जिसमें जसप्रीत बुमराह हैं, जिसमें मोहम्मद शमी हैं, जिसमें ईशान शर्मा है, नए वाले ईशान शर्मा जो कि बन के आए हैं, और उमेश यादव भी होते, ये अगर उनके पास बॉलिंग अटैक होता तो मुझे लग रहा है कि भारत को ओवरसीज इतनी ज्यादा डिफीट नहीं झेलनी पड़ती। विराट कोहली के पास जो बॉलिंग अटैक है उस टाइप का बॉलिंग अटैक बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के पास नहीं रहा, एक आधा गेंदबाज रहा, पर वो 20 विकेट निकालने वाली जो बात थी वो हमेशा चर्चा में रहती थी कि 20 विकेट निकालने वाले गेंदबाज नहीं है, स्पिनर फॉरेन सॉइल में चल नहीं पाते थे ज्यादा और जो पेसर होते थे वो कभी भी एक यूनिट के तौर पर सामने नहीं आया। मुझे याद है इंग्लैंड में तो एक बार प्रवीण कुमार, जिनकी ज्यादा स्पीड नहीं है, स्विंग करा लेते थे, अच्छा स्विंग कराते थे बॉल को, उनसे स्टार्टिंग ओवर करवाए गए टेस्ट मैचेस की मैं बात करूं, हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी की, तो वो यूनिट नहीं रही, इसलिए शायद महेंद्र सिंह धोनी लॉन्गर फॉर्मेट में उतने सक्सेसफुल कैप्टन रेट नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर कैप्टनसी वाइब्स देखें तो शॉर्टर फॉर्मेट में तो वाकई उनका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ इंडियन क्रिकेट की बात नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, इस बात पे सिर्फ माइकल वॉन नहीं बल्कि ओवरऑल अगर आप किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे या किसी भी जर्नलिस्ट से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ इतने बेहतरीन खिलाड़ी जो कि आईपीएल में भी इतने सक्सेसफुल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतने सक्सेसफुल रहे, वो शॉर्टर फॉर्मेट के इस एरा के 10-20 साल के अगर हम कैप्टनसी उठाएंगे तो उसमें नो डाउट नंबर 1 होंगे।
चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा एनालिसिस के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यूज स्टेट के नाम से हमारा Instagram, Twitter और Facebook का पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, उसमें कॉमेंट भी कर सकते हैं।